Vayam Prabha. Digital India. Educated India. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स दिस इज़ माई फिफ्थ लेक्चर विच आई एम गोइंग टू डिलीवर बिफोर यू ये मेरा पाँचवा लेक्चर है और मैं आपके समक्ष आज इनकोएट अपराध के विषय में बात करना चाह रहा हूँ अपूर्ण अपराध जैसा कि मैंने बताया अपराध के चार तत्व हैं मानव का होना मानव के मस्तिष्क में दूषित का होना दूषित के अनुसरण में दोष दूषित आश्रय के अनुसरण में कोई दोषपूर्ण कार्य करना और दोषपूर्ण कार्य के पश्चात क्षति का होना ये चार तत्व तो अपराध के आवश्यक हैं परंतु कुछ ऐसी भी स्थितियाँ हैं जिसमें यदि क्षति न भी हो वांछित क्षति जो प्राप्त करना चाहता है अभियुक्त तो यदि वांछित क्षति न हो पाए तो भी मात्र दूषित आशय के साथ किए गए दोषपूर्ण कार्य को भी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध घोषित किया गया है ये तीन ऐसी परिस्थितियां हैं तीन ऐसे अपराधों को आइडेंटिफाई किया गया जो इनकोएट अपराध अपूर्ण अपराध की श्रेणी में रखा गया है जिसके अंतर्गत वास्तविक क्षति तो नहीं होती फिर भी अभियुक्त के द्वारा दूषित आशय के साथ आपराधिक आशय के साथ कोई दोषपूर्ण कार्य किया जाए तो उसको दंडनीय बनाया गया है जैसा कि स्लाइड के माध्यम से आप देख सकते हैं पहला है आपराधिक प्रयत्न दूसरा है दुष्प्रण अबेटमेंट जिसको बोलते हैं और तीसरा है आपराधिक षडयंत्र ये तीन ऐसे अपराध हैं जिसमें वास्तविक क्षति नहीं होती फिर भी अभियुक्त को उसके द्वारा किए गए दोषपूर्ण कार्य के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है तो दो तत्व मैंने जैसा कि बताया एक तो मेन्स्रिया और दूसरा है एक्टस रियस इज इक्वल टू क्राइम दूषित आशय प्लस दूषित कार्य इज इक्वल टू क्राइम एक्ट आट इज कमिटेड विद इज माइंडेड बाय द इक्वल टू क्राइम अगर हम इसको गणित के रूप में मैथमेटिकली इसको प्रस्तुत करना चाहें तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा दूषित आशय के साथ किया गया दोषपूर्ण कार्य अपराध कहलाता है क्षति ना भी हो तो उसे अपराधी को दंडित किया जा सकता है इसे जैसा कि मैंने बताया भारतीय जनसंहिता की धारा तीन सौ थ्री नाइन्टी नाइन जहाँ पर आपराधिक प्रयत्न को ही उत्तरदायी ठहराया गया है अटैम्प्ट हो गया है क्षति न भी हो तो भी उससे अपूर्ण अपराध मानते हुए अभियुक्त को दंडित किया जा सकता है दूसरा है अबेटमेंट यदि एक के द्वारा एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे को अबेट किया जाए उकसाया जाए कोई अपराध कारित करने के लिए अपराध का करना या न करना या घटित होना न घटित होना वह अबेटर के अबेटर की लाइबिलिटी डिपेंड नहीं अबेटर वैसे भी उत्तरदायी होगा चाहे भले ही अबेटेड जो है वह न किया गया हो दुष्प्रेरित कृत्य न किया गया हो फिर भी उकसाने वाले व्यक्ति का जिसको हम अबेटर बोलते हैं दुष्प्रेरक बोलते हैं हिंदी में उस दुष्प्रेरक को अबेटर को उस अपराध के उकसाने के लिए दोषी ठहराया जाएगा तो यहां पर ये देखेंगे कि पूरी अबेटमेंट किस किस प्रकार से हो सकता है अबेटर की लाइबिलिटी क्या है और तीसरा जो इनको अपराध है पूर्ण अपराध है वह है अपराधिक जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई अपराध करने के लिए सहमत हो और अपराध न भी हो तो भी उनको आपराधिक षडंत्र के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है ये तीन ऐसे अपराध हैं इसको एक एक करके मैं डिस्कस करने का प्रयास करूंगा पहले लेता पहले लिया जाएगा कि जब अभियुक्त के द्वारा आपराधिक प्रयत्न किया जाए तो उस आपराधिक प्रयत्न के लिए अभियुक्त को उत्तरदायी ठहराया जाएगा उदाहरण के तौर पर दृष्टांत के रूप में इसको समझा जा सकता है जैसे क के द्वारा ख व्यक्ति के घर में चोरी करने के आशय से प्रवेश किया जाता है परंतु ख जैसे ही घर में प्रवेश करता है क कर ख के घर में चोरी करने के आशय से प्रवेश करता है और क जैसे ही ख के घर में प्रवेश करता है वैसे ही ख के घर वाले जग जाते हैं और वह जो मूल्यवान कोई वस्तु है चल संपत्ति है उसको नहीं ले जा पाता छोड़कर भाग जाता है यहाँ पर यदि उसे पकड़ अरेस्ट कर लिया जाए गिरफ्तार कर लिया जाए तो निश्चित रूप से उसके विरुद्ध आपराधिक प्रयत्न के लिए ओ भी चोरी के प्रयत्न के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा दूसरा दृष्टांत आपराधिक प्रयत्न के लिए जो इनकोइट अपराध है दूसरा क ख के जेब में हाथ डालता है उसका जेब खाली है क ख के जेब में पॉकेट मारने के लिए हाथ डालता है और ख का जेब खाली है तो जेब का खाली होना यह क की लाइबिलिटी को किसी प्रकार से कम नहीं कर सकता है क को आपराधिक प्रयत्न के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा ये कुछ दृष्टांत हैं जो जिसके माध्यम से वास्तविक क्षति न भी हो तो भी अभियुक्त को आपराधिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जाता है अब दूसरा देखते हैं इसमें दुष्प्रेरण अबेटमेंट अबेटमेंट पहले इसकी परिभाषा देखेंगे फिर उसके पश्चात इस पर महत्वपूर्ण वाद क्या है उसको देखेंगे तत्पश्चात अबेटर की क्या लाइबिलिटी है दुष्प्रेरक की क्या लाइबिलिटी है आपराधिक विधि में यह इसका अध्ययन किया जाएगा तो अबेटमेंट एक्ट को आईपीसी की धारा 107 के अंतर्गत बताया गया है कि धारा 107 आईपीसी के अंतर्गत कब कार्य अबेटमेंट की श्रेणी में आएगा तो धारा 107 के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कोई दोषपूर्ण कार्य करने के लिए उकसाता है षडयंत्र करता है या उसे सहायता पहुंचाता है वह दुष्प्रेरण करता है यह कहा जाता है तो मुझे लगता है कि इसको सरल भाषा में संक्षेप में इसको कहा जाए कि भारतीय जनसंख्या की धारा 107 के अनुसार जब कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई दोषपूर्ण कार्य करने के लिए ऐसा कार्य जो विधि द्वारा प्रतिसिद्ध है विधि द्वारा प्रॉविटेड है प्रॉविटेड बाई लॉ है उस कार्य को विधि विरुद्ध कार्य करने के लिए उकसाता है बाई इंस्टिगेशन उकसाता है षड्यंत्र करता है अथवा उस कार्य को करने में सहायता प्रदान करता है दुष्प्रेरण करता है ये धारा १०७ में लिखा हुआ है अर्थात कहने का तात्पर्य है कि धारा १०७ के अनुसार अबेटमेंट तीन प्रकार से हो सकता है अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन अबेटमेंट बाय कंस्पिरेसी, अबेटमेंट बाय एड सहायता के द्वारा तो हम इसको और ही सरल भाषा में हिंदी में समझें उकसाने के द्वारा अवैध दुष्प्रेरण षड्यंत्र के द्वारा दुष्प्रेरण और सहायता के द्वारा दुष्प्रेरण तीन परिस्थितियां हैं धारा 107 के अंतर्गत अब एक एक करके देखते हैं कि इंस्टिगेशन कब माना जाएगा जो शब्दावली यूज की गई धारा एक एक में वह है अबेटमेंट बाई इंस्टिगेशन उकसाना किसको कहेंगे यद्यप कि इस शब्दावली को धारा 107 में परिभाषित नहीं किया गया है परंतु धारा एक के स्पष्टीकरण में यह बताया गया है कि कब एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को अपराध कार्य करने के लिए दोषपूर्ण कार्य कारित करने के लिए प्रेरित करना उकसाने की श्रेणी में आएगा इंस्टिगेशन की श्रेणी में आएगा तो धारक 107 स्पष्टीकरण के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को दोषपूर्ण कार्य करने के लिए बोले गए शब्द के द्वारा या कोई किसी भी प्रकार से मौखिक सहायता बोले गए शब्द के द्वारा या आचरण के द्वारा वह उसे दोषपूर्ण कार्य करने के लिए प्रेरित करता है उकसाने के द्वारा दोषपूर्ण कहा जाता है तो इंस्टिगेशन किस प्रकार से हो सकता है इंस्टिगेशन बाय वर्ड्स हो सकते हैं शब्दों के द्वारा उकसाना हो सकता है इंडिकेशन इंस्टिगेशन कंडक्ट हो सकता है आचरण के द्वारा उकसाना हो सकता है और इंस्टिगेशन बाय साइन हो सकता है संकेतों के द्वारा उकसाने उकसाना माना जा सकता है तो जैसे ही किसी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को दोषपूर्ण कार्य करने के लिए विधवृद्ध कार्य करने के लिए उकसाया जाए बोले गए शब्दों के द्वारा या आचरण के द्वारा या उसको सक्रिय समर्थन के द्वारा तो यह उकसाने के द्वारा दुष्प्रण माना जाएगा इसको दृष्टांत के माध्यम से समझें क ख को, को ग की हत्या के लिए उकसाता है कहता है कि क ख से कहता है कि यदि वह ग की हत्या कर देगा तो ग को वह एक लाख रुपए देगा खो ऐसा करने से मना कर देता है तो प्रश्न है कि क्या क को ने कोई अपराध किया क्योंकि क ने तो ख को ग की हत्या के लिए उकसाया है परंतु ख हत्या करने से मना कर देता है कि वह उसकी इच्छा नहीं है ये कार्य करने की न तो वह कर सकता है तो यहाँ का यहाँ पर ख के द्वारा इनकार किया जाना ख के द्वारा कार्य न किया जाना उससे क की लाइबिलिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा क आपराधिक विधि के अंतर्गत उस अपराध के दुष्प्रेरण के लिए उत्तरदायी होगा उसको कितना कारावास मिलेगा कितने वर्ष की कारावास के लिए वह दंडित किया जाएगा यह भारतीय जनसंहता की धारा 115, 116 सो में दिया गया है जिसका उल्लेख मैं भी इसके आगे करूंगा। तो मैं ये बता रहा था कि अबेटेड व्यक्ति के द्वारा अबेटेड एक्ट को न करने से भी अबेटर की लाइबिलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जैसे क ने ख को अबेट किया उकसाया कि ख की हत्या कर दे लेकिन ख ऐसा करने से मना कर देता है तो ख के मना न करने से ख की करने या न करने से क की लाइबिलिटी पर कोई कानून की नज़र में आपराधिक विधि की राय में क उकसाने के द्वारा दुष्प्रेरण का दोषी है यद्यपि वह दुष्प्रेरित कार्य न किया जाए तो भी दुष्प्रेरक अपराध के लिए उत्तरदायी होगा इसमें देखें क्षति भी नहीं हो रही है तीन तत्व केवल हैं कि मानव है दुष्प्रेरक उसके मस्तिष्क में दूषित आशा है और दोषपूर्ण कार्य करने के लिए वह उकसाता है इन्हीं तीन तत्वों के आधार पर ही हम उसके आपराधिक दायित्व को निर्धारित कर दे रहे हैं कि क आपराधिक रूप से उत्तरदायी माना जाएगा अब प्रश्न होता है कि यदि ख के द्वारा उसके उकसाहट में अपराध कर दिया जाए ग की हत्या कर दी जाए तो प्रभाव क्या होगा यह दूसरी समस्या है जो मैं बता रहा हूं दो एक तो क ख को, को ग की हत्या के लिए उकसाता है परंतु ख हत्या नहीं करता है तो भी हत्या के दुष्प्रण के अपराध का दोषी होगा दूसरे दृष्टांत उदाहरण में जो बता रहा हूं कि क ख को ग की हत्या के लिए उकसाता है और ख उस उकसाहट में ग की हत्या कर देता है तो प्रश्न है कि क और ख की जिम्मेदारी क और ख की आपराधिक जवाबदेही क्या होगी विधि के अंतर्गत तो सामान्यतः इसमें कोई संदेह नहीं किंचित मात्र भी संदेह नहीं कि ख जो प्रिंसिपल ऑफेंडर जिसने अपराध किया है हत्यारा है ख ने ग की हत्या की है तो ख तो अपराधी है ही अब वह अपराध नहीं हुआ होता वह हत्या नहीं हुई होती यदि ख को क ने उकसाया नहीं होता तो इस आधार पर क को भी उसी अपराध से उसी दंड से दंडित किया जाएगा जिस दंड का भागी ख होगा तो मुझे लगता है कि ये बात तो पूरी तरह से आप समझ गए होंगे कि क और दोनों ग की हत्या के दुष्प्रण के दोषी होंगे और क को, को भी वही दंड मिलेगा जो ख को प्राप्त होगा तो दो बातें हो गई इसमें दो दृष्टांत मैंने बताया कि जब दुष्प्रेरित कार्य न किया जाए तब दुष्प्रेरक का दायित्व तो क्या होगा और यदि दुष्प्रेरित कार्य कर दिया जाए तो दुष्प्रेरक का दायित्व तो क्या होगा अब तीसरी दिस, तीसरा दृष्टांत है जिसके माध्यम से अबेटमेंट और क्लियर होगा क ख को, को ग की हत्या के लिए उकसाता है ख ग को प्राण घातक हमला करता है धारदार हथियार से हमला करता है परंतु ग का उचित इलाज से ग सही कर लिया जाता है चिकित्सीय उपचार उपलब्ध हो जाता है और ग स्वस्थ हो जाता है तो अब यहाँ पर प्रश्न है कि ख ने कौन सा अपराध किया है तो इसका उत्तर होगा ख ने हत्या के प्रयत्न का अपराध किया है अटेम्प्ट टू मर्डर किया प्राणघातक हमला किया धारदार हथियार से हमला किया और उसको शरीर के किसी महत्वपूर्ण वाइटल पार्ट पर उसको गोली लगी परंतु चिकित्सा उपचार के माध्यम से उसे बचा लिया गया अर्थात ये कहा जा सकता है कि ख हत्या के प्रयत्न का दोषी होगा अब क की लाइबिलिटी को देखें कि जो अबेटर है दुष्प्रेरक है उसकी लाइबिलिटी क्या होगी तो क भी उसी दंड से दंडित होगा जिस दंड से ख दंडित होगा क्यों कानून कहती है कि वह हत्या का प्रयत्न नहीं किया गया होता ख के द्वारा यदि क ने उसको उकसाया नहीं होता तो यह जो उकसाने का कार्य है अबेटर जो है इंस्टिगेटर है जो इंस्टिगेट कर रहा है उस अपराध को करने के लिए क को, को भी उसी दंड से दंडित किया जाएगा जिस दंड से ख है तो तीन दृष्टांत के माध्यम से हो गया उकसाने के द्वारा दुष्वर्ण का अपराध अब आचरण के द्वारा बाई कंडक्ट कैसे इन्वेस्टिगेशन हो सकता है इसको न्यायालय के निर्णय के माध्यम से समझा जा सकता है एक इस पर इंग्लिश वाद है आईपीसी के अंतर्गत क्वीन बनाम मोहिते का है जिसमें एक गांव में एक, एक पुरुष की मृत्यु हो जाने पर गांव वाले उस पुरुष के मरने पर राम राम सत्य है राम राम सत्य है ऐसे पुरुष की मृत्यु के पश्चात पत्नी ने भी पति के वियोग में अपने को मार अपने को मारने का प्रयास करती है और वह कहती है कि वह जाके आज लकड़ी के ढेर पर सती हो जाएगी जब वह ऐसा करने का प्रयास करती है तो ग्रामीण कुछ ग्रामीण वहाँ पर पहुँच राम राम सत्य है राम राम सत्य है जैसे आवाज़ स्लोगन देते हैं और वहाँ खड़े रहते हैं ये जो शब्दावली ये जो शब्द प्रयोग किए गए राम राम सत्य हैं राम राम सत्य हैं इस शब्दों के आधार पर भी अभियुक्त को ये माना गया कि वह आत्महत्या के दुष्प्रण के अपराध के दोषी होंगे इन लोगों ने भी उसको अपने बोले गए शब्दों के द्वारा उकसाया इंस्टिगेशन बाय वर्ड्स है समर्थन दिया उस शब्द उस उस अपराध को सुकर बनाने में सफल बनाने में तो ये केस आ, के माध्यम से स्लाइड पर आप देखें स्लाइड के माध्यम से मैं ये बताने का प्रयास कर रहा था इस स्क्रीन पर आप देखेंगे कि दूसरी स्लाइड के अंतर्गत मैंने लिखा है कि अबेटमेंट कहाँ से कहाँ तक दिया गया धारा एक सौ सात से एक सौ बीस तक दिया गया है अबेटमेंट कितने प्रकार से हो सकता है उकसाने के द्वारा सर्ण के द्वारा और सहायता के द्वारा अब इस पर मैंने धारा एक सौ सात एक जो उकसाने के द्वारा अबेटमेंट है दुष्प्रेरण है उस पर मैंने कुछ दृष्टांत इस पर स्क्रीन पर किए हैं क्योंकि ये जो कानून धारा 107 से 120 तक है ये दृष्टांत इसमें ज़्यादा दिए गए हैं और आप इसको देखेंगे इसलिए दृष्टांत ज़्यादा दिए गए हैं कि धारा में लिखी गई बात को और क्लियर किया जाए धारा में लिखी गई बात को और स्पष्ट करने के लिए ये प्रावधान इसमें दृष्टांत ज़्यादा दिए गए हैं तो ये तो हो गया कि समर्थन दहेज हत्या के मामलों में भी आप देखेंगे जितनी डॉरी डेथ के मामले आते हैं उसमें जो सास है मदर इन लॉ है फादर इन लॉ है विवाहिता स्त्री के जो ससुर हैं जो उसकी सास है उनकी नंद हैं इन लोगों को भी एक धारा के अंतर्गत जो अबेटमेंट की धारा होती है कि आत्महत्या करने के लिए उकसाया गया उसी के पश्चात ही उस विवाहिता स्त्री ने आत्महत्या की होगी तो आत्महत्या के उकसाने के लिए क्रूरता धारा चार सौ अट्ठानवे का जो आई के अंतर्गत है क्रूरता घटित करने में भी इन लोगों को इन लोगों का सक्रिय योगदान रहता है प्राय ऐसे मामले देखने को मिलते हैं एक किस आधार पर मुझे कहने का अवसर प्राप्त हुआ ये एन का डाटा है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डाटा है जिसमें बताया गया कि देखने से लगता है विश्लेषण करने से लगता है कि बहुत सारे मामलों में ये जो मदर इन लॉ फादर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ हैं ये इंस्टिगेटर हैं इंस्टिगेट करती हैं पति को आ, इंस्टिगेट करती हैं इसलिए और दहेज हत्या के जो मामले हैं उसमें डावरी में इंस्टिगेट किया जाता है तो दहेज हत्या के मामले में भी प्रायः इंस्टिगेट करने के दुष्पर्म करने के मामले को देखने में प्राप्त मिलता है अब इसके बाद आते हैं षडयंत्र के द्वारा दुष्पर्ण अबेटमेंट बाई कॉन्स्पिरेसी तो इस धारा एक द्वितीय खंड में और धारा एक क में वैसे तो आपराधिक षडयंत्र को धारा एक क में परिभाषित किया गया है दो बातें ध्यान रखनी है आपराधिक षड्यंत्र को धारा एक क में परिभाषित किया गया है और अबेटमेंट बाई कॉन्स्पिरेसी धारा एक सौ दो में दिया गया है दोनों में बेसिक अंतर यह है कि धारा एक के अंतर्गत जो अबेटमेंट बाई कांस्पिरेसी है इस धारा के अंतर्गत दो जब एक व्यक्ति के द्वारा कोई दूसरे व्यक्ति को दोषपूर्ण कार्य करने के लिए षडंत्र किया जाए एक योजना बनाई जाए और उसके अनुसरण में अपराध घटित होना आवश्यक है जबकि आपराधिक षडंत्र के लिए क्रिमिनल कांस्पिरसी में दो अथवा दो से अधिक व्यक्तियों का अपराध करने की सहमति मात्र ही दंडनीय है अर्थात धारा एक सौ क के अंतर्गत आपराधिक षडंत्र के अंतर्गत दो अथवा दो से अधिक व्यक्तियों का अपराध करने के लिए सहमत होना ही आपराधिक सं कहलाता है और जबकि धारा एक सौ दो के अंतर्गत अबेटमेंट बाई कॉन्स्पिरेसी के लिए सहमति पर्याप्त नहीं है सहमति के पश्चात अपराध का किया जाना आवश्यक है तो ये दोनों में अंतर है अब धारा 107 के अंतर्गत तीन बातों को अबेटमेंट की श्रेणी में परिधि में रखा अबेटमेंट कितने प्रकार कैसे हो सकता है ये बताया गया है कि अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन हो, हो सकता है उकसाने के द्वारा हो सकता है अबेटमेंट बाय कंस्पिरेसी हो सकता है और तीसरा है अबेटमेंट बाय एडिंग हो सकता है सहायता के द्वारा दुष्प्रेरित किया जा सकता है दोषपूर्ण कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति को प्रेरित किया जा सकता है सहायता पहुँचा करके तो इसको दृष्टांत के माध्यम से देखें कि धारा एक सौ सात के तृतीय खंड के में कैसे किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए सहायता के माध्यम से दुष्प्रेरित किया जा सकता है मैंने दृष्टांत इस पर दिया है धारक सौ तीन लिखा है स्क्रीन पर आप देखें कि क ख के सिर पर प्रहार करता है वहीं खड़ा व्यक्ति ग क को, को छड़ी पकड़ा देता है कि ग को छड़ी पकड़ा दे पकड़ा देता है ग ने कौन सा अपराध किया ग ने ने क को सहायता दे करके समानता हम इसको और भी ले की भाषा में समझने का प्रयास करें कि आप जैसे चौराहे पर खड़े होकर के चाय पी रहे हैं और वहाँ देखते हैं कि दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे होते हैं क और आपस में लड़ रहे होते हैं आपको लगता है कि उसमें कमज़ोर व्यक्ति है जिसको अगर हम नहीं सहायता करेंगे तो मार देगा तो आप वहाँ चाय छोड़ कर के आपने एक छड़ी जो है वहाँ पर डंडे एक छड़ी जो है उसको क को पकड़ा दी कि क इस छड़ी को पकड़ो और मारो और क ने उस छड़ी से ख को और मार दिया तो यहाँ पर क ख आपस में पहले से लड़ रहे हैं और क तो प्रहार कर ही रहा है ख पर वह तो दोषी दोषी है ही लेकिन चूंकि आप जो ग हैं आप वहाँ पर उसको एड दे रहे हैं सहायता दे रहे हैं उस अपराध को करने के लिए आपने हेल्प दे दी सहायता दे दी किससे उस स्टिक को दे दिया छड़ी को दे दिया कि आप इसे मारो तो आप यहाँ पर एडर हैं सहायता देने वाले व्यक्ति हैं और आपको भी उसी दंड से दंडित किया जाएगा कानून अपराधी कानून ने कहता है कि यह जो कार्य है यह अबेटमेंट बाय एड है दुष्प्रण के द्वारा यह सहायता के द्वारा दुष्प्रण किया गया है आपने सहायता पहुंचाई है उसमें ये धारा एक तीन के अंतर्गत इस मामले को कवर किया गया है दृष्टांत धारा एक के अंतर्गत जो बताए गए हैं वह इंस्टिगेशन को और सहायता देने को ये और स्पष्ट करने के लिए दृष्टांत इसमें दिए गए हैं तो आपराधिक विधि के अंतर्गत इसी अबेटमेंट को समझने के लिए वहाँ पर सुविधा के लिए तीन परिस्थितियाँ बताई गई हैं अबेटमेंट के अपराध के लिए यदि हम उसको तुलना करें अंग्रेजी विधि और भारतीय विधि की इस पर तो एक है कि प्रिंसिपल असेसरीज़ एक अपराध अपराध घटित होने के पहले सहायता पहुँचाना एक अपराध करते समय सहायता पहुंचाना और एक अपराध के पश्चात सहायता पहुंचाना। अर्थात एक व्यक्ति अपराध को घटित होने के पहले अपराध को कमिट करने के लिए करने के लिए वह उकसा सकता है उसको प्रेरित कर सकता है एक अपराध होते समय वहाँ घटनास्थल पर उपस्थित होकर के उसको उस अपराध के करने में मोटिवेशन दे सकता है प्रेरित कर सकता है और तीसरा है अपराध हो जाने के पश्चात अपराधी को संरक्षण दे सकता है प्रोटेक्शन दे सकता है तो तीनों परिस्थितियों में आ, यह वो व्यक्ति जो संरक्षण भी देता है अपराधी को जो प्रसर देता, देता है संरक्षण देता है वह भी अपराध करता है कानून की नज़र में तो यहाँ भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो एसेसरीज बिफोर द फैक्ट हैं तथ्य घटित होने के पहले उसको हम अगर अंग्रेजी भाषा में बोलें कि एसेसरीज बिफोर द फैक्ट अपराध घटित होने के पहले व्यक्ति के द्वारा उस अपराध को में सहायता पहुंचाना, अपराध होते समय सहायता पहुंचाना और अपराध हो जाने के पश्चात सहायता पहुंचाना ये तीन परिस्थितियां इसमें बताई गई हैं अंग्रेजी विधि के अंतर्गत हम जिसको धारा एक से जोड़ सकते हैं उसके परिपेक्ष में देख सकते हैं अब आते हैं धारा 108 पर जिसमें अबेटर को डिफाइन किया गया है दुष्प्रेरक कौन होगा ये धारा 108 में बताया गया है और अबेटर की लाइबिलिटी क्या होगी ये भी धारा 108 में बताया गया है तो मैं ये चाहूँगा कि धारा 108 पर आप ध्यान केंद्रित करें भारतीय जनसंहिता की धारा 108 के अनुसार दुष्प्रेरक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो अपराध को उकसाने के द्वारा अपराध को सड़ंद के द्वारा और अपराध को सहायता के द्वारा करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करता है तो अबेटर कौन हुआ वह व्यक्ति दुष्प्रेरक है जो अपराध करने के लिए अपराधी को उकसाता है अपराध करने के लिए योजना बनाता है प्लान्स बना, प्लान बनाता है षडयंत्र करता है कॉन्स्पिरेसी करता है और तीसरा है कि व्यक्ति उस अपराध को करने के लिए सहायता पहुंचाता है एड करता है एडर है हेल्पर है हेल्प कर रहा है तो तीनों परिस्थितियों में किए गए कार्य को अबेटर कहेंगे यहाँ पे दुष्प्रेरक कहेंगे धारा एक सौ आठ ये बताती है कि अबेटर वह है जो उकसाता है जो षण करता है जो सहायता पहुँचाता है अब अबेटर की लायबिलिटी क्या होगी दुष्प्रेरक की लायबिलिटी क्या होगी तो धारा एक सौ आठ प्रथम खंड के अंतर्गत यह प्रावधानित किया गया कि दुष्प्रेरक का वही दायित्व तो होगा जो अपराध करने वाले व्यक्ति का आपराधिक दायित्व होता है उदाहरण दृष्टांत क ख को, को ग की हत्या के लिए दुष्प्रेरित कर उकसाता है ख उकसाहट में ग की हत्या कर देता है क ने कौन सा अपराध किया क की जिम्मेदारी क की आपराधिक दायित्व तो क्या होगा ख में डाउट नहीं है ख ने ग की की उकसाहट में तो ख तो हत्यारा है क का जवाबदेही क्या होगा क भी हत्या का दोषी होगा इतनी बात दोनों सभी लोगों को ध्यान रखनी है कि क और ख दोनों हत्या के दुष्पर्ण के दोषी होंगे टेक्स्ट बुक में ये लिखा हुआ है कि क और ख दोनों हत्या के दुष्पर्ण के दोषी होंगे तो कभी कभी कन्फ्यूजन छात्रों में होता है कि हत्या के दोषी होंगे या हत्या के दुष्पर्ण के दोषी होंगे या पनिशमेंट कितना मिलेगा ये शायद उनको आ, समस्या होती है समझने में तो इतना आप समझें कि इस जो मैंने अभी दृष्टान बताया उसमें क और ख दोनों ग की हत्या के दुष्परण के दोषी होंगे और भारतीय संहिता की धारा 302 के अंतर्गत ग की हत्या के लिए अभियोजित किए जाएंगे और दंडित किए जाएंगे अब दूसरा जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण है इसको देखें धारा एक सौ दो के अंतर्गत दूसरा इसमें क्या समस्या है दूसरी परिस्थिति क्या हो सकती है कि दुष्प्रेरक का दायित्व दुष्प्रेरित व्यक्ति के दायित्व पर निर्भर नहीं करता अर्थात दुष्प्रेरित व्यक्ति हो सकता है कि अपराध करने के लिए विधि के अनुसार सर्वथा सक्षम न भी हो तो भी दुष्प्रेरक अपराधी माना जाएगा उदाहरण के लिए क एक सात वर्षीय बालक को गौ के खाने में डाइनिंग टेबल पर दूध में जहर मिलाने के लिए देता है और सात वर्ष का बालक उसके खाने में टेबल पर रखे हुए दूध में जहर मिला देता है ग उसका दूध का सेवन करता है और की मृत्यु हो जाती है अब यहाँ पर प्रश्न है कि ख जो सात वर्ष का बालक है जिसने उसके जहर में दूध में जहर मिलाया है क्या मृत्यु हो जाने से ख भी उत्तरदायी होगा या केवल और केवल क ही उत्तरदायी होगा तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया दुष्प्रेरक का दायित्व तो दुष्प्रेरित व्यक्ति के दायित्व तो पर निर्भर नहीं करता अबेटेड पर्सन जो है दुष्प्रेरित व्यक्ति यहाँ पर बच्चा है उसकी एज सात वर्ष से कम है तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा बयासी का लाभ ले सकता है आईपीसी की धारा बयासी में लिखा हुआ है कि सात वर्ष से कम आयु के बालक के द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होता तो यहाँ पर जो अबेटेड व्यक्ति है दुष्प्रेरित व्यक्ति है उसके द्वारा किए गए कार्य को आपराधिक विधि क्षम घोषित कर देगी परंतु जो दुष्प्रेरक है जिसने उकसाया है उस सात वर्ष के आयु के बच्चे को उसे ग की हत्या के लिए अभियोजित किया जाएगा और दोषी किया जाएगा इसमें मुझे लगता है किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए दूसरा हो गया अब तीसरा देखें कि दुष्प्रेरक का दायित्व दुष्प्रेरित व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य से भिन्न कार्य से दायित्व तो नहीं होगा अर्थात इसको एक बार और सुधारने का प्रयास करें कि दुष्प्रेरक का आपराधिक दायित्व तो उसी दुष्प्रेरित कार्य के लिए होगा जिसको उसने दुष्प्रेरित किया है अन्य घटित अपराध के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व तो नहीं होगा अर्थात दुष्प्रेरक व्यक्ति दुष्प्रेरित यदि ऐसा अपराध करने के लिए व्यक्ति को दुष्प्रेरित करता है और दुष्प्रेरित व्यक्ति उस अपराध के साथ साथ कोई अन्य अपराध अपने मन से कर लेता है तो अपने मन से जो उसने स्वेच्छा अपराध किया है उसके लिए दुष्प्रेरक अपराधिक रूप से उत्तरदायी नहीं होगा जिस अपराध को करने के लिए उसने उकसाया है उसी के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकते बड़ी सामान्य सी बात है जैसे कि उदाहरण के लिए अ ने ब को ख के अ को स के घर में चोरी करने के लिए कहता है और ब स के घर में चोरी करने के लिए जाता है और ये टेलीफोनिक रिकॉर्ड है टेलीफोनिक आज के समय में मोबाइल से बात हुई ये सात से पुलिस के हाथ लग गया अ ब को फ़ोन करता है कि तुम स के घर में इस समय चोरी करना है और सब लोग चले गए होते हैं तो इस समय ब उसके कहने पर स के घर में चोरी करने जाता है और साथ ही साथ ब स के घर में आग लगा देता है चोरी करने के पश्चात स के घर में आग लगा देता है आगजनी का मुकदमा स के विरुद्ध दर्ज होता और ब के विरुद्ध दर्ज होता है अब अ और ब दोनों को अरेस्ट किया जाता है पुलिस के द्वारा और पुलिस ने चार्जशीट में अ को भी चोरी और आगजनी दोनों के अपराध के लिए संयुक्त रूप से आरोपित कर दिया न्यायालय के समय जैसे ही साक्ष्य जाएगा वहां पर दुष्प्रेर व्यक्ति इस बात का बचाव दे सकता है कि यह जो टेलीफोनिक जिस साक्ष्य के माध्यम से पुलिस न्यायालय के समय साबित करने का प्रयास कर रही है उसमें यह देखा जा सकता है टेलीफोन जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है उसमें मैंने केवल अ ने ब को केवल चोरी करने के लिए कहा था न कि वहाँ पर आगजनी के लिए और आगजनी लगाया जाना आगजनी की आग लगाया जाना ये ब का व्यक्तिगत निर्णय था और उसके लिए केवल और केवल ब को दंडित किया जाए अ को नहीं तो यहाँ पर अबेटर का दायित्व तो, आपराधिक दायित्व तो केवल उन्हीं कार्य के लिए होगा जिसको उसने करने के लिए अबेट किया है उकसाया है दुष्प्रेरित किया है तो इसमें अकेवल और केवल चोरी करने के उकसाने के लिए दोषी होगा न कि आग्जनी के लिए परंतु इसके कुछ अपवाद भी हैं अपवाद क्या कि यदि दुष्प्रेरित दुष्प्रेरक का दायित्व तो दुष्प्रेरित व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य के लिए होगा यदि घटित अपराध और दुष्प्रेरित कार्य इतने आसन्न संकटपूर्ण हैं कि दुष्प्रेरित कि कार्य करने के दौरान उस प्रकार के अपराध घटित हो सकते हैं जैसे कि लूट के दौरान हत्या हो जाना चोरी के दौरान हत्या हो जाना ये दोनों पृथक पृथक अपराध हैं और चोरी के अपराध में कभी ऐसी आशंका नहीं होती कि हत्या हो जाएगी मर्डर दोनों एक दूसरे के इंसिडेंटल एक्ट नहीं है यदि चोरी के दौरान हत्या हो रही है तो इसका मतलब वो चोरी न होकर के लूट है चोरी का बढ़ा हुआ रूप लूट है रॉबरी है चोरी के दौरान चोर घर में प्रवेश करता है और गृह स्वामी की हत्या कर देता है तो यह सामान्यतः चोरी नहीं होती बल्कि वह लूट और लूट के दौरान हत्या का मुकदमा दर्ज होता है तो इसको ये समझने का प्रयास करेंगे कि जब दुष्प्रेरक व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति को लूट के अपराध के लिए दुष्प्रेरित किया जाता है तो लूट के दौरान विरोध होने पर यदि हत्या हो जाए मर्डर हो जाए तो दुष्प्रेरक न केवल लूट के अपराध का दोषी होगा बल्कि घटित हत्या के लिए भी दोषी ठहराया जाएगा अब यहाँ प्रश्न हो सकता है कि ऐसा क्यों कि दुष्प्रेरक ने तो केवल लूट के लिए जैसे बैंक लूटने के लिए क ने को किसी स्थान पर बैंक लूटने के लिए उकसाया कि वह उसको सहायता प्रदान करेगा बाहर कार लेके बाहर बाइक लेके खड़ा रहेगा बैंक कैशियर से वह कैश लूट करके आए और उसको ले जाएगा तो लूट के लिए केवल यदि जहाँ पर ख को बैंक लूटने के लिए उकसाता है ख बैंक लूटने के लिए प्रवेश करता है कैशियर के पास जाता है और जब लूट के दौरान कैशियर के द्वारा विरोध करने पर ख कैशियर को गोली मार देता है तो इस समस्या में ये जिस प्रकार का साक्ष्य इतना ही साक्ष्य न्यायालय के समक्ष आया है तो इस पर न्यायालय को क्या निर्णय लेना है न्यायालय कौन धारा लगाएगी इस मामले में प्रस्तुत मामले में दुष्प्रेरक न केवल उस बैंक में कैशियर के से लूट के लिए उत्तरदायी होगा बल्कि कैशियर की हत्या के लिए भी उत्तरदायी होगा क्योंकि लूट के दौरान हत्या का जो कार्य घटित हुआ यद्यप कि हत्या करने के लिए दुष्फेरक ने दुष्फेरक क ने ख को नहीं उकसाया था न तो कहा ही था वो समझौते का पार्ट नहीं था समझौते केवल और केवल बैंक लूटने के लिए हुआ था परंतु लूट के दौरान विरोध करना और हत्या हो जाना यह लूट ऐसा अपराध है जिसमें हत्या का हो जाना एक परम संभावी तथ्य होता है कि मैक्सिमम संभावना होती है कि लूट के दौरान विरोध करने पर लूट चुकी इस स्थितियों में की जाती है तत्काल मृत्यु का भय दिखाकर तत्काल क्षति का भय दिखा कर के जब चोरी की जाए तो वह लूट मानी जाती है तो लूट प्लस तत्काल मृत्यु का भय एज इक्वल टू हम बोलते हैं लूट अगर गणित के रूप में इसको परिभाषा करने का प्रयास करें तो हम कोई चल संपत्ति अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु के तत्काल भय में डाल कर लेते हैं उदाहरण के तौर पर गन पिस्टन गन दिखा करके और मैं किसी के जेब से पचास हज़ार रुपया निकाल दूँ तो यह उसको मैंने तत्काल मृत्यु या तत्काल घोर क्षति का भय दिखा करके उसकी चल संपत्ति उससे पैसा लिया है यह चल संपत्ति है उसके उनमति के अनुमति के बिना लिया है सहमति के बिना उसके कब्जे से लिया है तो चल होना चाहिए लेकिन चूंकि चल सम यह चोरी होनी चाहिए लेकिन चोरी के दौरान यह तत्काल मृत्यु का भय है तत्काल क्षति का भय है जो उसके अपराध को और गुरतर बना देता है और बड़ा बना देता है इसलिए यह लूट माना जाएगा लूट का अपराध है तो प्रस्तुत समस्या में जो मैं बता रहा था कि अबेटर केवल अपने द्वारा अबेटेड एक्ट के लिए उत्तरदायी होगा या अन्य कार्य के लिए भी उत्तरदायी होगा तो इसका उत्तर होगा कि लूट जो बैंक लूट के मामले में है कि अबेटर न केवल बैंक लूट के लिए उत्तरदायी होगा बल्कि उसके साथ ही साथ जो उसका हाईली प्रोबेबल एक्ट है हाईली प्रोबेबल एडिशनल जो एक्ट ऑफेंस कमिट हुआ है हत्या हो गई है उसके लिए भी अबेटर उत्तरदायी होगा तो मैं बता रहा था कि कंटिन्यू yes, तो मैं बता रहा था कि अबेटर की क्रिमिनल लाइबिलिटी क्या होगी जब अबेटेड एक्ट से भिन्न कोई एक्ट किया जाए तो ये दृष्टांत के माध्यम से मैंने बताया कि अबेटर अपने द्वारा अबेटेड एक्ट के लिए ही उत्तरदायी होगा अन्य घटित अपराध के लिए अबेटर उत्तरदायी नहीं होगा एक तो एक नियम है कि अबेटर अपने ही द्वारा अबेटेड एक्ट के लिए उत्तरदायी होगा अन्य किसी घटित अपराध के लिए अबेटर उत्तरदायी नहीं होगा एक नियम है अर्थात उदाहरण के रूप में इसको समझें दृष्टांत के माध्यम से समझें तो यदि मैंने अपने मित्र को चोरी करने के लिए उकसाया और मेरा मित्र चोरी करता है लेकिन मेरा मित्र चोरी करते दौरान जो है वह वहां पर हत्या कर देता है विरोध करने पर उसको मर्डर कर देता है तो ऐसी स्थिति में मैं केवल और केवल अपने मित्र के द्वारा किए गए चोरी के कार्य के लिए उत्तरदायी होगा, न कि हत्या के लिए एक नियम है बेसिक रूल है आधारभूत सिद्धांत है लेकिन यदि मैंने किसी अपने मित्र को बैंक लूटने की सलाह बैंक लूटने के लिए उकसाया और वह बैंक लूटने के लिए जाता है मैं उसे कहता हूं कि मैं बैंक के बाहर रहूंगा तुम लूटना और बाहर आना लूट के दौरान यदि हत्या हो जाए तो उसमें न केवल लूट बल्कि हत्या दोनों के लिए मेरी जवाबदेही होगी अबेटर की जवाबदेही होगी दुष्प्रेरक की जवाबदेही होगी क्योंकि मर्डर और लूट एक दूसरे के हाईली प्रोबेबल कनेक्टेड एक्ट हैं अवश्य संभावी कृत्य हैं कि ऐसे अपराधों में रॉबरी के दौरान डकैती के दौरान मृत्यु का होना हत्या का होना यह उसका एक कॉन्सिक्वेंसियल एक्ट होता है वह उसका एक स्वाभाविक परिणति होती है ऐसे अपराधों में लेकिन पाकिट मारने के लिए पाकिट मार जेब में हाथ डालता है और उसकी हत्या कर देता है तो पाकिट मार की पाकिट मारी के दौरान हत्या का होना यह कॉन्सिक्वेंसियल नहीं है कि सभी प्रकार के 99 परसेंट मामलों में आप देखेंगे तो जो पाकेट मारने के लिए अगर पाकेट मार पाकेट में हाथ डालता है तो वह और उसकी मृत्यु कायित कर दे तो यह वह पाकिटमारी वह पिक पाकेटिंग के लिए नहीं हो वह वह जो अपराध जो मृत्यु हुई है वह मारी का कांसिक्वेंस नेचुरल कॉन्सिक्वेंस नहीं है क्योंकि वह उतना बड़ा अपराध नहीं पाकेट मारना और मृत होना दोनों बहुत अंतर है बहुत डिफरेंस है तो यदि एक व्यक्ति क ख को ग के जेब में केवल पाकेट मारने के लिए रेलवे प्लेटफार्म पर कहता है कि वह उसके क ख से कहता है कि ग के पाकेट से पैसा निकाल ले और ख ग के पाकेट में पैसा निकालने के लिए प्रयास करता है और ग को ग के द्वारा विरोध करने पर ख उसको वहीं गोली मार देता है या पेट में चाकू मार देता है तो यह चाकू मारना और गोली मारना एडिशनल एक्ट हो गया जिसको कि क के द्वारा अबेट नहीं किया गया था जिसको कि क ने दुष्प्रेरित नहीं किया था तो इसमें क उस घटित अपराध के लिए उत्तरदायी मृत्यु के लिए उत्तरदायी नहीं होगा केवल और केवल पाकेट मारने के लिए उत्तरदायी होगा ये ध्यान देना है अबेटर की लाइबिलिटी के अंतर्गत अब अबेटर को आपराधिक रूप से एक्ट के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा अन्य के लिए नहीं जब तक कि वह अन्य घटित अपराध उसका नेचुरल उसका कॉन्सिक्वेंसी एक्ट ना हो उसका आम उसका हाईली प्रोबी एक्ट ना हो अब इसके पश्चात आते हैं कि यदि अबेटर स्वयं घटनास्थल पर उपस्थित हो अपराध होते समय तब उसकी ज़िम्मेदारी क्या होगी ये किस आईपीसी के किस धारा के अंतर्गत हम भारतीय जनसंहिता की धारा एक चौदह के अंतर्गत देखते हैं कि अबेटर की लाइबिलिटी तब होगी अबेटर की लाइबिलिटी जब हुआ घटनास्थल पर स्वयं मौजूद हो और अबेट दुष्पृण करता है और यह धारा थर्टी से कैसे समान्यास से कैसे अंतर है तो इसको भी देखने की बात है दृष्टांत इसमें भी दिया गया धारा एक के अंतर्गत अब धारा 108 जो अबेटर के लाइबिलिटी अबेटर के आपराधिक दायित्व के विषय में बात करता है कब कब वो अबेटर अपने द्वारा दुष्पेत कार्य के लिए उत्तरदायी होगा कब उत्तरदायी नहीं होगा अब इसके पश्चात आते हैं कि अबेटर और अबेटेड व्यक्ति दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक और दुष्प्रेरित व्यक्ति की आपराधिक जवाबदेही क्या होगी अर्थात धारा 115 और धारा 116 का अवलोकन करते हैं बहुत बार दृष्टांत के माध्यम से या बुक के माध्यम से यह क्लियर नहीं हो पाता कि अबेटर को कितनी सजा होगी अपराध के लिए अबेटेड अबेटेड व्यक्ति को कितनी सजा होगी घटित अपराध के लिए इसको स्पष्ट किया गया है धारा 115 और धारा 116 में तो सभी छात्रों के लिए सलाह है कि जब भी अबेटमेंट की दुष्प्रेरण जैसे इनकोट अपराध को अपूर्ण अपराध को देखें पढ़ें तो धारा 107, 108, 115, 116 ज़रूर पढ़ें पूरी धारा 107 से लेकर के 120 तक की धाराओं में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण धारा इसमें है वह है एक वन ज़ीरो सेवन वन जीरो एट वन फिफ्टीन एंड 116 ये चार धाराएं अवश्य पढ़नी चाहिए वैसे तो 107 से लेकर 120 तक लगभग 13 या 14 चौदह धाराएं होंगी इन चौदह धाराओं में केवल यदि छात्र धारा 107 धारा 108 धारा 115 और 16 चार ही धाराओं का अध्ययन कर ले तो मुझे पूरा विश्वास है कि उसको अबेटमेंट से संबंधित प्रॉब्लम 99 परसेंट कभी गलत नहीं होगा तो अब ये देखते हैं कि अबेटर का अबेटर की लाइबिलिटी क्या है और अबेटेड व्यक्ति की लाइबिलिटी क्या है ये ज्वाइंट लाइबिलिटी कैसे दोनों की है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 115 यह प्रावधानित करती है कि जब दुष्प्रेरक व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति को अन्य व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए दुष्प्रेरित किया जाता है जो अपराध मृत्युदंड या जीवन कारावास से दंडनीय है तो ऐसी स्थितियों में तीन संभावनाएं हो सकती हैं इसको ध्यान से सुनेंगे जब दुष्प्रेरक व्यक्ति के द्वारा ऐसे अपराध का ऐसे अपराध को करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को दुष्प्रेरित किया जाए जो अपराध मृत्युदंड या जीवन कारावास से दंडनीय है और उसके अनुसरण में यदि अपराध कर दिया जाए यदि हत्या कर दी जाए तो दुष्प्रेरक का वही दायित्व तो होगा जो दुष्प्रेरित व्यक्ति ने जिसने हत्या की है उसका दायित्व तो है एक दूसरी बात यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति के द्वारा वह अपराध करने से मना कर दिया जाए जो मृत्युदंड या जीवन कारावास से दंडनीय है उस अपराध को करने से दुष्प्रेरित व्यक्ति इनकार कर दे मना कर दे तो सजा कितनी होगी उसमें मना कर देने के बावजूद भी दुष्प्रेरित व्यक्ति आपराधिक रूप से उत्तरदायी होगा भले दुष्प्रे दुष्प्रेरित व्यक्ति उत्तरदायी होगा भले दुष्प्रेरित व्यक्ति उस कार्य को अपरा उस अपराध को करने से मना कर दिया है ऐसे कारावास से जिसका अधिकतम जिसकी अधिकतम सजा सात वर्ष तक हो सकती है दंडित किया जा सकता है तीसरी स्थिति इसमें हो सकती है कि दुष्प्रेरक व्यक्ति यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति ऐसे अन्य व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए दुष्प्रेरित करता है जो मृत्युदंड आजीवन कारावास से दंडनी है जिसके अनुसरण में दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध करता है ऐसा ऐसी घोर क्षति कारित करता है जिसमें मृत्यु नहीं होती व्यक्ति बच जाता है तो ऐसी स्थिति में ऐसे कारावास से जिसकी अधिकतम अवधि चौदह वर्ष हो सकती है दंडित किया जा सकता है दोनों दंडित होंगे तो मैंने दो केस इसमें जो धारा एक पंद्रह बताया इसमें तीन प्रकार की स्थितियाँ बताई तीन संभावनाएँ हो सकती हैं कि अबेटर ने एक ऐसे ऐसे अपराध को करने के लिए अबेट किया जिसमें जो मृत्युदंड आजीवन कारावास से दंडनीय है, अपराध हैं माना कि हत्या जैसे हत्या करने के लिए उकसाता है और उकसाहट में हत्या कर दी जाती है तो अबेटर और अबेटेड व्यक्ति दोनों उस हत्या के दोषी होंगे एक दूसरा मैंने बताया कि यदि अबेटेड मैन अपराध करने से इनकार कर दे तो भी अबेटर जो है उस अपराध को करने के लिए दोषी होगा और मैक्सिम उसको सात वर्ष तक की सजा दी जा सकती है यदि अबेटर अन्य व्यक्ति को ऐसे अपराध को करने के लिए अबेट करता है और घोर क्षति कारित कर दी जाए तो यहाँ पर अबेटर और अबेटेड व्यक्ति दोनों को ऐसे कारावास से जिसकी अधिकतम अवधि चौदह वर्ष तक हो सकती है कारावासित किया जा सकता है सजा दी जा सकती है तीन संभावनाएं हैं तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग इन तीन प्रकार इस तीन संभावनाओं को समझने के पश्चात अबेटर और अबेटेड व्यक्ति की लाइबिलिटी आपराधिक लाइबिलिटी क्रिमिनल लाइबिलिटी के विषय में समझ गए होंगे कि जो व्यक्ति दुष्प्रेरक और दुष्प्रेरित व्यक्ति के लिए आपराधिक विधि में क्या प्रावधान किया गया है अब धारा एक सौ सो सोलह में आए कि वे अपराध जिसमें केवल वे अपराध जो मात्र कारावास से दंडनीय है जिसमें सजा केवल और केवल कारावास का है वे अपराध जो कारावास से आजीवन कारावास से भिन्न अर्थात जिसमें दस वर्ष की सजा है बीस वर्ष की सजा है पांच वर्ष की सजा है वे अपराध जो मात्र कारावास से दंडनीय है यदि उस अपराध को करने के लिए दुष्प्रेरण किया जाए तो दुष्प्रेरक और दुष्प्रेरित व्यक्ति का आपराधिक दायित्व तो क्या होगा यह धारा एक के अंतर्गत दिया गया है अब यदि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अप ऐसे अपराध करने के लिए उकसाता है सहायता पहुंचाता है जो मात्र कारावास से दंडनीय है वहां पर यदि वह अपराध कर दिया जाए तो जो अपराध उकसाहट में किया जाएगा उस अपराध के लिए दुष्प्रेरक और दुष्प्रेरित व्यक्ति दोनों समान दंड से दंडित होंगे उदाहरण के रूप में क ख को गौ के घर में चोरी करने के लिए उकसाता है चोरी में मैक्सिमम पनिशमेंट तीन वर्ष का है चोरी कर दी जाती है उसके घर से कह ख गौ के घर से जेवरात ज्वेलरी लेकर के भाग जाता है गिरफ्तार किया जाता है पुलिस अरेस्ट करती है चार्जशीट न्यायालय के समक्ष आता है अब न्यायालय के समझ साक्ष्य है कि ख ने एक अमुक तारीख और समय पर गौ के घर में चोरी की तो क जो अबेटर है जिसने ख को उकसाया है क को, को भी आपराधिक विधि चोर मानती है चोरी के लिए उकसाने का अपराधी मानती है और ख तो चोर है ही है चोरी किया है लेकिन वह चोरी नहीं होती हुई हु, हु, होती यदि क ने उसको नहीं उकसाया होता तो क को, को भी भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के अंतर्गत चोरी के अपराध के लिए दंडित किया जाएगा अब यहाँ पर अगर चार विकल्प आता है इस प्रकार से परीक्षाओं में प्रतियोगी परीक्षाओं में क और ख ने कौन सा अपराध किया पहला दूसरा तीसरा विकल्प चौथा विकल्प मात्र ख चोरी के अपराध के लिए दोषी होगा क और दोनों चोरी के अपराध के दुश्मन के दोषी होंगे केवल और केवल च चु ख क चोरी के अपराध के दुश्मन के दोषी होगा इस प्रकार से प्रॉब्लम समस्याएं आती हैं तो इस प्रस्तुत समस्या में क और दोनों चोरी के अपराध के लिए दोषी होंगे ख चोरी के अपराध के लिए क चोरी के दुष्मण के अपराध के लिए दोषी होगा यह टेक्स्ट बुक में इस प्रकार से लिखा हुआ है तो थोड़ा डाउट क्रिएट होता है तो केवल इतना मानना है कि यहाँ पर क और ख दोनों अपराधी हैं कानून की नज़र में और अबेटर को भी उतना ही सजा मिलेगी जितना कि चोर को सजा मिलेगी क्योंकि चोरी उसके उकसाहट में हुई है उसके इंस्टिगेशन में हुई है तो ये ध्यान रखना है कि क और ख दोनों चोरी के अपराध के दुश्मन के दोषी होंगे अब इसको दूसरी इसी में दूसरा उदाहरण देखें दूसरा दृष्टान्त देखें यदि ख के द्वारा चोरी नहीं की गई होती तो कितना उसको सजा दिया जाता जैसे क ने ख को ग घर में चोरी करने के लिए उकसाया फोन से टेलीफोन से मोबाइल पे बात हुई पुलिस को टेलीफोन मिल गया और रिकॉर्डिंग मिल गई सर्विलांस पे मिलाया उस पूरी उसकी रिकॉर्डिंग है सारा दस्तावेज उसके साथ उसके पास है अब ख के द्वारा चोरी नहीं की गई तो क को, को कितना सजा मिलेगा यह भी धारा एक में लिखा हुआ है तो लिखा हुआ कि अबेटर के द्वारा यदि उकसाए अबेटेड एक्ट को न किया जाए और उस उस अपराध में सजा केवल और केवल कारावास का हो तो अबेटर की उतनी जिम्मेदारी होगी उस कारावास का एक चौथाई या जुर्माना या दोनों दिया जा सकता है इसको ध्यान देना है बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों धाराएं हैं दोनों धाराओं के माध्यम से ही आप अबेटर और अबे अबेटमेंट के विषय में उसके पनिशमेंट के विषय में पूरा समझ पाएंगे कि जब अबेटर के द्वारा उक्स अबेटेड एक्ट जब दुष्प्रेरक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को दुष्प्रेरित करता है ऐसे अपराध करने के लिए जो अपराध मात्र कारावास से दंडनीय है और वह अपराध न किया जाए तो दुष्प्रेरक अपराधी है और उसको कितनी सजा मिलेगी उस अपराध का जिसका उसने दुष्प्रण किया है न होने की दशा में उस पूरे कारावास का एक चौथाई वन फोर्थ ऑफ द टोटल इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ अथवा दोनों दिया जा सकता है उदाहरण के तौर पर चोरी के ही मामले में करें चोरी में अधिकतम सजा तीन वर्ष अर्थात छत्तीस माह तो छत्तीस महीने का एक चौथाई नौ माह चोरी के लिए उकसाया गया और उकसाने में चोरी, चोरी अपराध नहीं की गई तो भी उकसाने वाले व्यक्ति को अबेटर को चोरी का छत्तीस महीने का वन फोर्थ दिया जाएगा अर्थात तो नौ महीने की सजा उसको अधिकतम हो सकती है अथवा जुर्माना लगा के छोड़ा जा सकता है अथवा दोनों दिया जा सकता है तो मुझे लगता है कि सभी छात्र अबेटमेंट से संबंधित प्रावधान धारा एक सौ सात धारा एक सौ आठ अबेटर की जिम्मेदारी जवाबदेही आपराधिक दायित्व और इससे संबंधित पनिशमेंट की बात सभी लोग समझ गए होंगे तो मैं बता रहा था कि अबेटर की लाइबिलिटी क्या है जब अबेटेड एक्ट दुष्प्रेरित कार्य कर दिया जाए और दुष्प्रेरित अपराध मृत्युदंड आजीवन कारावास से दंडनीय है तो अबेटर कितनी सजा मिलेगी और यदि मात्र कारावास से दो ही स्थितियाँ हो सकती हैं धारा एक में कह दिया गया कि वे अपराध जो मृत्युदंड आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध हैं उनका यदि दुष्प्रेरण किया जाए तो दुष्प्रेरक की कित कितनी सजा होगी दुष्प्रेरक का कितना कितनी लाइबिलिटी होगी और अब इसके अलावा केवल बचता है कि वे अपराध जो मात्र कारावास से दंडनीय है जब आजीवन कारावास की बात कर दी गई तो वे अपराध जो मात्र कारावास से दंडनीय हैं उसकी लाइबिलिटी क्या होगी ये धारा सौ में बताया गया है जैसा कि धारा तिरपन फिफ्टी में पाँच प्रकार के दंड बताए गए हैं पाँच प्रकार के दंड में मृत्युदंड आजीवन कारावास कारावास जुर्माना और संपत्ति का संपर्ण किया जाना फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी तो यहाँ पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट आजीवन कारावास भी है और मात्र कारावास कारावास साधारण कारावास सश्रम कारावास तो वे अपराध जो मात्र कारावास से दंडनी है यदि उसको करने के लिए व्यक्ति को उकसाया जाता है उकस वह अपराध यदि घटित हो जाता है तो सजा दोनों दुष्प्रेरक और दुष्प्रित व्यक्ति दोनों को समान सजा मिलेगी यदि अपराध नहीं होता है तो उस अपराध में प्रावधानित मैक्सिमम पनिशमेंट का एक चौथाई भी मिलेगा दुष्प्रेरक को चाहे भले ही दुष्प्रीत व्यक्ति ने उस कार्य करने को मना कर दिया हो तो मुझे लगता है इस प्रावधान से आप सभी लोग धारा एक सौ सात धारा एक सौ आठ से संबंधित दुष्प्रेरण से संबंधित सभी कानून को भली समझ गए होंगे मुझे पूरा विश्वास है कि अबेटमेंट दुष्प्रेरण जो इनक्वेट अपराध के रूप में जाना जाता है उससे संबंधित केस लॉ उससे संबंधित दृष्टांत ज़्यादातर इसमें दृष्टांति परीक्षाओं में प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो दृष्टान्त के माध्यम से मैंने ज्यादा से ज्यादा दृष्टान्त बताने का प्रयास किया है तो दृष्टांत से आप धारा एक सौ सात एक सौ आठ एक सौ पंद्रह एक सौ सोलह को समझने में सब समर्थ रहे होंगे सक्षम रहे होंगे इस पर एक महत्वपूर्ण केस और है वह है बारेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर ए आई आर उन्नीस सौ पच्चीस प्रिवी काउंसिल मुझे लगता है सभी छात्र इस केस को भली बात जानते होंगे बारेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर सम्राट आई आर उन्नीस प्रीवी काउंसिल इस वाद में बारिंद कुमार घोष को भारतीय जनसंहता की धारा 302 सौ दो सपठित धारा चौंतीस के अंतर्गत अभियोजित किया गया था और अभियुक्त बारिंद कुमार घोष का न्यायालय के समक्ष यह तर्क लिया जाना कि वह मात्र वह अपराधी नहीं उसने हत्या नहीं की है वह मात्र पोस्ट ऑफिस के बाहर दरवाजे पर खड़ा रहा था खड़ा था और अपने साथियों का इंतजार कर रहा था तो इस मामले में लॉर्ड समनर के द्वारा जिस जो उस न्यायाधीश के द्वारा जजमेंट सुनाया गया उस न्यायाधीश का नाम लॉर्ड समनर है कभी कभी प्रारंभिक परीक्षाओं में ये भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यायाधीश बारिंद कुमार घोष बनाम सम्राट के मामले में निर्णय दिया है लॉर्ड समनर लॉर्ड ब्लैकबर्न लॉर्ड सुलेमान उपरोक्त में से कोई नहीं तो लॉर्ड समनर का जजमेंट है तो लार्ड समनर का ऑब्जर्वेशन इसमें कोर्ट करना बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसके माध्यम से आप अबेटमेंट के विषय में और भरी बात समझ पाएंगे लार्ड समनर ने कहा कि वे व्यक्ति भी कार्य करते हैं जो मात्र खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं उन्होंने इंग्लिश में इसको बोला कि दे आल्सो सर हु ओनली स्टैंड एंड वेट वे भी कार्य करते हैं जो मात्र खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं तो इसलिए वो भी अबेटर है वह गार्ड के रूप में वह अपने सहयोगियों को गार्ड प्रोटेक्शन दे रहा था बाहर खड़ा होकर के इसलिए वह भी उस अपराध का दोषी माना जाएगा तो मैं समझता हूँ कि इस व्याख्यान के माध्यम से आप सभी अबेटमेंट और अटेम्प्ट जैसे इन इनकोएट अपराध अपूर्ण अपराध के विषय में भली भांत अवगत होंगे मैंने पूरा बताने का प्रयास किया कि इससे संबंधित कानून क्या है इससे संबंधित उदाहरण दृष्टांत क्या है और इसको बताने के पश्चात आप सभी लोग इस स्थिति में होंगे कि दुष्प्रण से संबंधित प्रॉब्लम या अटेम्प्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम इनकोट अपराध के रूप में गलत होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर होगी थैंक यू धन्यवाद